23 वाले स्टूडेंट के पास भी शेयर कीजिएगा, और सभी को प्लीज लाइक कर दीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगता है, रात भर जग कर इस कटअप को बनाया है, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तुरंत अब बात कर रहे हैं PHI के अंतर्गत आने वाले ब्रांचों पर, उनका कट ऑफ कितना जाएगा, कैटेगरीज वाइज बताएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट जा रहे हैं उसके पर भी डिस्कस करेंगे, और कितने कट ऑफ तक मॉपअप में मिलेगा 100% विश्वास के साथ बता रहे हैं, तो सभी को लाइक कीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं OT टेक पर, यानी कि BOT टेक पर, यानी कि इस कोर्स को करने के लिए आपका कट ऑफ इसके अंतर्गत हो तो मॉपअप में जरूर आपका कॉलेज हुआ अलॉट हो जाएगा। तो यूआर सीट है टोटल 2 है, तो रैंक कितना जाने वाला है, तो 1150 से लेकर 1170 के बीच आपका जाएगा, तो इसके बीच हो तो आपका जरूर OT टेक्नीशियन मिल जाएगा। अब OT टेक्नीशियन में कौन सा स्टूडेंट जाएंगे, तो बायोलॉजी ग्रुप के जाएंगे, लेकिन रैंक लगेगा ज्वाइंट, रैंक लगेगा ज्वाइंट। चलिए अब DQ में सीट है 0, सभी कैटेगरी में सीट है 0, यानी कि टोटल 2 ही सीट खाली था, UR कैटेगरी से खाली है, तो बिल्कुल इसमें UR से ही सिलेक्शन होगा और रैंक हमने बता दिया। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं ऑटोमोमेट्री पर, ऑटोमोमेट्री पर हम डिस्कस करें तो ऑटोमोमेट्री जो है बी ऑटोमोमेट्री उसमें कितना कट ऑफ जाएगा, तो इसमें डिस्कस करें तो UR सीट है 3, अब 3 है तो कट ऑफ कितना जाएगा 1250 से लेकर 1300 तक जाएगा, SC में है 1, अब इसका कट ऑफ कितना जाएगा तो 210 तक जाएगा। उसके बाद डिस्कस करें BC कैटेगरी में है 2, अब 2 सीटें है तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा तो 700 से लेकर 900 जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करें EWS में टोटल सीट है 2, इसका कटअप कितना जाएगा तो 170 से लेकर 180 तक, यानी कि टोटल सीट है 8, 8 में कैटेगरीज वाइज कटअप हमने बता दिया, और कोई भी कैटेगरीज में यहाँ पर सीट नहीं है जिसके कारण ऑटोमेट्री नहीं मिलेगा आपको। यानी कि अब डिस्कस हम करते हैं BMLT यानी कि लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट, अब लैब टेक्नीशियन का कट ऑफ PHI में कितना जाएगा, तो डिस्कस करते हैं UR में सीट है 1, अब 1 है तो कितना जाएगा, तो 1 है तो टोटल सीटें 1 है, इसका रैंक जाएगा 1230 से लेकर 1235 तक। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं SC कैटेगरी में भी ये 1 है, इसका कट ऑफ कितना जाएगा 205 से लेकर 210 तक। उसके बाद में बात करते हैं BC कैटेगरी में भी 1 है सीट, अब इसका कट ऑफ कितना जाएगा 550 से लेकर 560 तक जाएगा, टोटल सीटें 3 खाली थे, तीनों कैटेगरीज वाइज हमने कट ऑफ बता दिया, DQ में 1 सीटें खाली है, उसका कट ऑफ कितना जाएगा था 75 अप्रोक्स जाएगा। अब बात करते हैं रेडियोलॉजी में PHI में कितना कट ऑफ जाएगा, तो टोटल सीटें खाली है 4, अब 4 में कैटेगरीज वाइज बताए तो UR में 2, अब उसका कट ऑफ कितना जाएगा तो 1070 से लेकर 1080 तक जाएगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं 1 सीटें खाली है SC कैटेगरी में, उसका कट ऑफ कितना जाएगा तो 160 जाएगा। उसके बाद बात करते हैं BC कैटेगरी में 1 सीटें खाली है, 510 तक इसका जाएगा और ज्वाइंट रैंक जाएगा, और कौन से ग्रुप से जाते हैं रेडियोलॉजी में पहले वीडियो में हम डिस्कस कर दिए और बहुत सारे वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप सभी जानते होंगे, और सारे कैटेगरी से एक भी सीट कोई ब्रांच में आप खाली नहीं है। तो आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियो आप सभी को सबमिट करेंगे। तो थैंक यू, आप सभी ने कटअप नहीं देखा है तो मेरा कटअप का 2-3 वीडियो है, सभी एक ही प्लेलिस्ट में हम बनाकर डाल देंगे, तो आप सभी वो वीडियो बिल्कुल देखकर IAS बन जाइएगा।